हेलो दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का बहुत दोस्त स्वागत करता हूं आरजीत पे। दोस्तों आज हम कैमरा रिव्यू करेंगे रेडमी के 20 प्रो का और देखेंगे यहां पर जो कैमरा परफॉर्मेंस है वो हमें कैसा देखने को मिलता है इस फोन में। जो आपको फ्रंट में पॉपअप सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा 20 मेगापिक्सल का, जहां पर एपर्चर है 2.0। रियर में जो आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा। पहला जो कैमरा है वो है 48 मेगापिक्सल का, जहां पर आपको सोनी का सेंसर दिया गया है IMX586 का, और यहां पर जो एपर्चर है वो है 1.75 का। सेकेंडरी जो कैमरा है वह 13 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा। तीसरा जो कैमरा है वह 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस। तो यहां पर देखते हैं रेडमी K20 Pro का जो कैमरा परफॉर्मेंस है वो हमें कैसा देखने को मिलता है। तो आप जो इस वीडियो को एंड तक देख लीजिएगा। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ इस बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे जो भी मैं नए अपलोड करूंगा। तो फ्रेंड्स, अब जो आप इमेज देख पा रहे हैं इसे मैंने इसके रियर कैमरा से नॉर्मल मोड में कैप्चर किया है। हालांकि यहाँ पर 48 मेगापिक्सल आप इमेज कैप्चर कर सकते हैं, बट उसको बाय डिफॉल्ट इनेबल करना पड़ता है। नॉर्मली आप जो 12 मेगापिक्सल के इमेज को ही कैप्चर कर सकते हैं। और डे लाइट में इसका जो इमेज क्वालिटी है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख पाएंगे। अगर आप स्काई की तरफ ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पर एक एक पैटर्न आप स्काई के देख पाएंगे। साथ साथ यहाँ पर जो पिक्चर है वो काफ़ी ज़्यादा जो है डिटेल्स के साथ कैप्चर होता है। ये है अनदर एग्जांपल, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं यहाँ पर भी जो स्काई का पैटर्न है वो काफ़ी बढ़िया है, और यहाँ पर छोटे छोटे पंछी उड़े हैं और आप जो है उन्हें भी देख पाएंगे यहाँ पर जो है कैप्चर कितने अच्छे तरीके से किया हुआ है। इवन मैं आपको यहाँ पर जो है जूम करके दिखाता हूँ, तो देखिए यहाँ पर पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे जूम करने के बाद भी यहाँ पर जो क्लियरिटी है वो इसका कितना बढ़िया है। तो डेफिनेटली इसका जो रियर कैमरा है वो काफ़ी बढ़िया इमेजेस वगैरह कैप्चर कर लेता है। अब जो आप ये इमेज देख पा रहे हैं इसे मैंने 13 मेगापिक्सल के वाइड एंगल कैमरा से कैप्चर किया, और इसका जो वाइड एंगल कैमरा है ये भी जो है काफ़ी बढ़िया इमेजेस कैप्चर कर लेता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जो डिटेल्स है काफ़ी बढ़िया है। स्काई की तरफ ध्यान दीजिए, यहाँ पर भी जो है स्काई काफ़ी बढ़िया डिटेल्स के साथ आए। इवन यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा वाइड इसने जो है इमेज कैप्चर किया है। मैं आपको जो है साइड बाय साइड दो इमेजेस दिखा रहा हूँ, एक जो है नॉर्मल एक जो है वाइड एंगल इमेज है। तो देख पा रहे होंगे कितना ज़्यादा जो है डिफरेंट हो जाता है अगर आप वाइड एंगल इमेज को कैप्चर करते हैं। और बहुत सारे फोन जो है 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा देते हैं, बट K20 Pro में जो है आपको 13 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा देखने को मिलता है, यानी कि जो इमेज क्वालिटी है वाइड एंगल कैमरा का वो आपको काफ़ी बेहतर देखने को मिलता है दूसरे फोन्स के मुकाबले। तो यहाँ पर जो वाइड एंगल कैमरा वो भी काफ़ी बढ़िया इमेजेस वगैरह कैप्चर कर लेता है। अब जो आप ये इमेज देख पा रहे हैं इससे मैंने इसके टेलीफोटो लेंस से कैप्चर किया है, जो कि 8 मेगापिक्सल का है। और यहाँ पर देखिए टेलीफोटो लेंस से भी आप फोटोज वगैरह कैप्चर कर सकते हैं, और यहाँ पर जो है टेलीफोटो लेंस भी काफी बढ़िया इमेजेस वगैरह कैप्चर करता है। हालांकि टेलीफोटो लेंस से जो है ज्यादा लोग फोटो नहीं क्लिक करते हैं, बट फिर भी अगर आप क्लिक करना चाहें तो यहाँ पर जो है फोटो क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, यानी कि आप जो है किसी दूर के ऑब्जेक्ट को जूम करके जो है क्लिक करना चाहते हैं तो टेलीफोटो लेंस से आप जूम करके क्लिक कीजिएगा तो क्लियरिटी आपको बेहतर देखने को मिलेगा। अब जो आप ये इमेज देख पा रहे हैं इसे मैंने 48 मेगापिक्सल को एनेबल करके कैप्चर किया है, और सच बात बताऊं तो फ्रेंड्स 12 मेगापिक्सल और 48 मेगापिक्सल में कुछ भी ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। अगर आप नॉर्मली 12 मेगापिक्सल इमेज भी कैप्चर करते हैं ना, और यहाँ पर 48 मेगापिक्सल भी इमेज कैप्चर करते हैं, दोनों को साइड बाई साइड रखते हैं कुछ इस तरीके से जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। और अगर दोनों को जो है एक पर्टिकुलर जगह पर मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पर जो है एक बोर्ड है जहाँ पर टेक्स्ट लिखा हुआ है, जूम करके दिखा रहा हूँ, तो देखिए यहाँ पर जो है आपको डिटेल्स दोनों में जो है सेम देखने मिलता है। 48 मेगापिक्सल में आपको हल्का सा ज़्यादा डिटेल्स देखने मिलता है, बट 48 मेगापिक्सल अगर आप इमेज कैप्चर करते हैं तो एक फॉल्ट है। 48 मेगापिक्सल जब भी आप इमेजेस कैप्चर करेंगे तो यहाँ पर जो है आपका करीब 26 या फिर 20 MB से जो है ज़्यादा का जगह ये जो है घेर लेता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पाएंगे साइज। तो बेसिकली जो है नॉर्मल इमेज और 48 मेगापिक्सल में कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं लगता है, बस 48 मेगापिक्सल में जो साइज है वो डबल हो जाता है। और यहाँ पर डिटेल्स की बात करें तो मुझे डिटेल्स जो है दोनों का ही एक जैसा लगा। हालांकि 48 मेगापिक्सल में थोड़ा सा आपको बेटर डिटेल्स देखने को मिल जाता है, मतलब अगर आप फोटो फ्रेम वगैरह करवाते हैं तो डिजिटली अगर जो है प्रिंट आउट वगैरह निकलवाते हैं तो ही आपको थोड़ा हल्का वर्क का फर्क देखने को मिलेगा, बाकी मुझे नहीं लगता कुछ ज्यादा फर्क है। बाकी आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। बात करते हैं पोर्ट्रेट इमेज की, तो फ्रेंड्स यहाँ पर कोई भी आपको जो है डेप्थ सेंसिंग कैमरा नहीं दिया गया है, फिर भी यहाँ पर जो पोर्ट्रेट इमेज है ये काफी बढ़िया कैप्चर करता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जो डिटेल्स है इसने काफी बढ़िया कैप्चर किया है।
इवन एज डिटेलिंग भी इसका काफी सही है, बैकग्राउंड को भी ये जो है जस्टिफाई कर रहा है बोके होने के साथ साथ। और यहाँ पर स्काई की तरफ अगर ध्यान दीजिएगा तो देखिए स्काई कितना मस्त लग रहा है, बादल घिरे हुए थे और पोर्ट्रेट होने के बावजूद यहाँ पर जो स्काई है वो कितना बढ़िया लग रहा है, और इमेज देखिए देखने में कितना ज्यादा प्रोफेशनल लग रहा है। तो यहाँ पर जो है डेप्थ सेंसिंग कैमरा नहीं दिया गया, फिर भी ये पोर्ट्रेट इमेजेस जो है काफी बढ़िया कैप्चर कर लेता है। बाकी बात करते हैं लो लाइट पोर्ट्रेट इमेज परफॉर्मेंस की, तो लो लाइट में इसका पोर्ट्रेट इमेज परफॉर्मेंस जो है मुझे उतना खास अच्छा नहीं लगा। हालांकि बैकग्राउंड को ये काफी अच्छे तरीके से ब्लर कर रहा है जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, बट कुछ कुछ इमेजेस जो है ब्लरिश टाइप का आया है। अगर नॉर्मली देखते हैं तो काफी बढ़िया लगेगा आपको, और अगर मैं हल्का सा जूम करके इमेज को दिखाऊं तो आपको जो है ब्लरिश टाइप का देखने को मिलेगा, हल्का फुल्का जो है नॉइज देखने को मिलेगा। तो यही चीज मैंने नोटिस किया लो लाइट पोर्ट्रेट इमेज में। बाकी यहाँ पर जो है एक दो फोटो जो है लो लाइट में भी इसका जो है काफी बढ़िया है पोर्ट्रेट मोड में। तो यहाँ पर जो है लो लाइट पोर्ट्रेट इमेज आपको एवरेज देखने को मिलता है, बट डी लाइट में पोर्ट्रेट इमेज परफॉर्मेंस जो है इसका काफी बढ़िया है। इवन इंडोर वगैरह में भी अगर आप कैप्चर करते हैं तो आपको काफी बढ़िया पोर्ट्रेट परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। बात करते हैं लो लाइट रियर कैमरा परफॉर्मेंस की, तो लो लाइट में अगर आप इमेज वगैरह कैप्चर करते हैं तो यहाँ पर जो है नॉइज आपको काफी कम देखने को मिलेगा। नॉर्मली अगर आप इमेज को देखते हैं तो इमेज काफी ज्यादा शार्प और काफी क्लियर देखने को मिलता है, नॉइज तो बिल्कुल ही नहीं देखने को मिलता है। बट जैसे आप इमेज को जूम करते हैं तो इमेज जो है ब्लरिश टाइप का हो जाता है। लू लाइट में ही ये चीज मुझे देखने को मिला, डी लाइट में जो है काफी बढ़िया परफॉर्मेंस था, बट लू लाइट में अगर आप इमेज को जूम करते हैं तो इमेज हल्का सा ब्लरिश हो जाता है। तो मे भी यहाँ पर जो है लो लाइट परफॉर्मेंस इसका ऐसा ही है, नॉर्मल इमेज को देखने में जो है काफी बढ़िया लग रहा है। बट जैसे आप नाइट मोड को एनेबल करते हैं तो नाइट मोड एनेबल करने के बाद मुझे नहीं लगता कुछ ज्यादा फर्क आता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं मैं साइड बाय साइड दोनों इमेजेस दिखा रहा हूँ। नाइट मोड को एनेबल करते हल्का सा जो है आपको लाइट ज्यादा देखने को मिलता है, बाकी यहाँ पर जो है काइंड ऑफ डिटेल्स की बात करें तो उतना ज्यादा फर्क आपको देखने को नहीं मिलता है। बस यहाँ पर नाइट मोड को एनेबल कीजिएगा तो हल्का सा जो लाइट है वो ज्यादा ये जो है कैप्चर करता है, बाकी जो है यहाँ पर कुछ भी ज्यादा फर्क नहीं है। अब जो आप ये इमेज देख पा रहे हैं इसे मैंने इंडोर में कैप्चर किया और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ट्यूबलाइट जो है जल रहा था, और यहाँ पर देखिए कितना बढ़िया ये जो है इमेज कैप्चर कर लेता है। इवन यहाँ पर जो अगला इमेज आप देख पा रहे हैं ये है 8 मेगापिक्सल टेलीफोटो लेंस से कैप्चर किया गया इमेज, तो देख पा रहे होंगे कितना डिटेल्स के साथ जो है इमेज कैप्चर किया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ एक ट्यूबलाइट जल रहा था। और ये है 13 मेगापिक्सल से कैप्चर किया हुआ इमेज जो कि वाइड एंगल इमेज है, और देख पा रहे होंगे यहाँ पर भी जो इमेज क्वालिटी है वो आपको काफी बढ़िया देखने को मिल रहा है। तो इवन बात करें इंडोर में जो आप काफी बढ़िया शॉट वगैरह कैप्चर कर सकते हैं इसके रियर कैमरा से, लाइटिंग कंडीशन हल्का सा सही होना चाहिए, बाकी आप जो है काफी बढ़िया इमेजेस वगैरह आप इसके रियर कैमरा से जो है कैप्चर कर सकते हैं डे लाइट इवन इंडोर लाइट कंडीशन में। सो फ्रेंड्स अभी जो आप ये वीडियो देख पा रहे हैं इसे मैं इसके रियर कैमरा से शूट कर रहा हूँ। ये वीडियो फुल एचडी में रिकॉर्ड किया जा रहा है, आवाज जो सुन पा रहे हैं वो इसके इंटरनल माइक से रिकॉर्ड किया गया जो कि कुछ इस तरीके से आपको सुनने को मिल जाता है। बाकी बात करें वीडियो क्वालिटी की तो यहाँ पर वीडियो क्वालिटी काफी बढ़िया है, आपको इसमें जो 4K वीडियो क्वालिटी का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, बट मैं फुल एचडी में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि मैं जो है वीडियो को फुल एचडी में ही रेंडरिंग करूंगा, इस वजह से मैं फुल एचडी में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और यहाँ पर जो वीडियो क्वालिटी है वो काफी बढ़िया लगा मुझे जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, और आपको इसमें जो स्टेबलाइजेशन देखने को मिल जाता है जैसे कि मैं आपको यहाँ पर जो है थोड़ा सा चल के दिखा देता हूँ तो आप देख पाएंगे यहाँ पर जो है आपको स्टेबलाइजेशन देखने को मिल जाता है। आप थोड़ा सा दौड़ के दिखा रहा हूँ तो देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो आपको स्टेबलाइजेशन काफ़ी बेहतर देखने को मिल जाता है। वीडियो क्वालिटी मुझे काफ़ी बढ़िया लगा इसके रियर कैमरा का, और यहाँ पर जो साउंड है वो आपको जो है कैसा लग रहा है बाकी आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी यहाँ पर जो है जल्दी से फोकस को चेक करते हैं, तो फ्रेंड्स बात करते हैं फोकस की, तो फोकस इसका काफ़ी बढ़िया है जैसे कि आप यहाँ पर देख पाएंगे, ये देखिए फोकस जो है इसका काफ़ी अच्छा है, तो डेफिनेटली फोकस के मामले में जो आपको कोई भी इश्यू नहीं नजर आएगा। सो फ्रेंड्स अब जो आप ये वीडियो देख पा रहे हैं इसे मैं इसके 13 मेगापिक्सल के वाइड एंगल कैमरा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, यहाँ पर जो वीडियो क्वालिटी है वाइड एंगल कैमरा का वो भी काफ़ी बढ़िया है जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। यहाँ पर जो है सूरज निकला हुआ है और काफ़ी ज़्यादा धूप है, और वीडियो जो है काफ़ी बढ़िया ये रिकॉर्ड कर ले रहा है 13 मेगापिक्सल के वाइड एंगल कैमरा से भी, तो यानी कि आप जो है वाइड एंगल कैमरा से भी काफ़ी बढ़िया वीडियोस वगैरह रिकॉर्ड कर सकते हैं इसके रियर कैमरा के। तो फ्रेंड्स अब जो आप ये वीडियो देख पा रहे हैं ये जो है 8 मेगापिक्सल के टेली फोटो लेंस से शूट किया गया, और टेली फोटो लेंस के वीडियो क्वालिटी की बात करें
तो उतना खास अच्छा नहीं है। अगर आप जो है स्टे होकर वीडियो वगैरह रिकॉर्ड करते हैं टेलीफोटो से, तो ही आपको वीडियो थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा। बाकी यहाँ पर अगर मूविंग करते हुए आप वीडियो को रिकॉर्ड करते हैं, जैसे कि आप अभी देख पा रहे होंगे, तो वीडियो उतना कुछ खास अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ पर जो है ब्लरिश टाइप का आपका वीडियो रिकॉर्ड होगा। बाकी यहाँ पर जो 13 मेगापिक्सल और नॉर्मल लेंस है, प्राइम लेंस है, वो काफ़ी बढ़िया वीडियोज वगैरह रिकॉर्ड कर लेता है। सो फ्रेंड्स, अब जो आप ये वीडियो देख पा रहे हैं, इसे मैं लो लाइट में शूट कर रहा हूँ इसके रियर कैमरा से, और यहाँ पर जो वीडियो क्वालिटी है वो मुझे काफ़ी बढ़िया लग रहा है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, नॉइज़ वगैरह काफ़ी कम देखने को मिल रहा है। इवन यहाँ पर जो वीडियो क्वालिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा क्लियर है, जैसे कि आप यहाँ पर देख ही पा रहे होंगे। तो यहाँ पर लो लाइट वीडियो को परफॉर्मेंस जो है मुझे काफ़ी बढ़िया लगा। बाकी आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए आपको जो है इसका रियर कैमरा का लो लाइट परफॉर्मेंस कैसा लगा। और फ्रेंड्स, 13 मेगापिक्सल के वाइड एंगल वीडियो क्वालिटी की बात करें लो लाइट में, तो यहाँ पर जो है 13 मेगापिक्सल का वाइड कैमरा जो है लो लाइट में उतना बढ़िया परफॉर्म नहीं करता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा डार्क देखने को मिला है। बट जहाँ पर लाइट कंडीशन अच्छा है, वहाँ पर देखिए आपको काफ़ी क्लियर जो है वीडियोस देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर 13 मेगापिक्सल के कैमरा से भी आप लो लाइट में वीडियोस वगैरह शूट कर सकते हैं, बट आपको जो लाइटिंग कंडीशन है वो काफ़ी सही होना चाहिए, तभी जो है ये काफ़ी बढ़िया वीडियोस वगैरह रिकॉर्ड कर पाएगा। और फ्रेंड्स, आप चाहे तो यहाँ पर 8 मेगापिक्सल के टेलीफोटो लेंस से भी लो लाइट में वीडियोज़ वगैरह शूट कर सकते हैं, बट ये उतना अच्छा आपको देखने को नहीं मिलेगा। आप अगर स्टे है तो काफ़ी बढ़िया देखने को मिलेगा। अगर आप जो है मूव कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए काफ़ी ब्लरिश वीडियो हो जा रहा है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। और जैसे ही मैं स्टे होता हूँ तो देखिए यहाँ पर जो वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो जा रहा है। तो आप चाहे तो यहाँ पर इसके टेलीफोटो लेंस से भी वीडियोज़ वगैरह शूट कर सकते हैं, बट आपको जो है स्टॉप होकर, यानी कि मूव नहीं करना है, आप स्टॉप होकर वीडियोस रिकॉर्ड करेंगे तो आपको काफी बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इसके सेल्फी परफॉर्मेंस की। तो अभी जो आप ये सेल्फी देख पा रहे हैं, इसे मैंने डे लाइट में कैप्चर किया, और सेल्फी परफॉर्मेंस की बात करें तो सेल्फी भी ये जो है काफी बढ़िया कैप्चर कर लेता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये जो सेल्फी है कितना अच्छा कैप्चर हुआ है, एक एक डिटेल्स को आप जो है अच्छे तरीके से देख सकते हैं। नॉर्मली अगर जूम करूँ तो जूम करने के बाद भी जो है आपको यहाँ पर सेल्फी काफी ज्यादा क्लियर नजर आ जाता है। तो सेल्फी ये जो है काफी बढ़िया कैप्चर करता है। बट यहाँ पर अगर आप बैकग्राउंड की तरफ ध्यान दीजिएगा तो बैकग्राउंड को भी ये काफी अच्छे तरीके से जस्टिफाई कर रहा है। बट अगर स्काई की तरफ ध्यान दीजिए तो यहाँ पर देखिए स्काई आपको जो है पूरा व्हाइटिश लगता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है स्काई ब्लूइश था, बट यहाँ पर जो है अनफॉर्चुनेटली व्हाइट स्काई ये क्यों कैप्चर करता था मुझे पता नहीं। ये है अनदर एग्जाम्पल, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, और यहाँ पर आप जो है स्काई को देख पाएंगे बट उतने अच्छे तरीके से नहीं देख पाएंगे। यहाँ पर भी जो इसने स्काई को हल्का सा व्हाइटिश कर दिया है, तो यहाँ पर जो है ये स्काई को व्हाइटिश कर दे रहा है, ये चीज मुझे थोड़ा सा खटका। बाकी यहाँ पर जो सेल्फी परफॉर्मेंस है वो काफी बढ़िया है। और अब जो आप ये सेल्फी देख पा रहे हैं, ये जो है मैंने पोर्ट्रेट मोड में कैप्चर किया, और पोर्ट्रेट सेल्फी की बात करें तो पोर्ट्रेट सेल्फी भी जो है इसका काफी बढ़िया है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। और ये जो है काफी बढ़िया पोर्ट्रेट सेल्फी वगैरह कैप्चर करता है। इवन एज डिटेलिंग भी जो है इसका काफी सही है। अगर मैं जूम करके दिखाऊं तो यहाँ पर देख पा रहे जो एज डिटेलिंग है वो कितना बढ़िया है। तो डेफिनेटली आप जो इसके फ्रंट कैमरा से पोर्ट्रेट सेल्फी और नॉर्मल सेल्फी काफी बढ़िया कैप्चर कर सकते हैं, बट हल्का फुल्का डिटेल्स को जो है ये मिस कर देता है। अब बात करते हैं लो लाइट सेल्फी परफॉर्मेंस की। तो फ्रेंड्स, लो लाइट सेल्फी परफॉर्मेंस मुझे उतना खास अच्छा नहीं लगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख ही पा रहे होंगे। जो सेल्फी है वो नॉर्मली देखने में काफी बढ़िया लग रहा है, बट अगर मैं हल्का सा जूम करता हूं तो यहाँ पर ब्लरिश टाइप का आपको सेल्फी देखने को मिलता है। तो लो लाइट सेल्फी परफॉर्मेंस मैं बोलूंगा एवरेज है। इवन पोर्ट्रेट सेल्फी परफॉर्मेंस की बात करें तो बैकग्राउंड ब्लर को ये काफी अच्छे तरीके से कर लेता है, बट यहाँ पर जो इमेज है वो जो है उतना क्लियर नहीं होता है। हल्का फुल्का आपको जो है ब्लरिश सेल्फी देखने को मिलेगा पोर्ट्रेट शॉट में भी। तो लो लाइट सेल्फी परफॉर्मेंस मुझे इसका उतना खास अच्छा नहीं लगा। और बात करते हैं इंडोर लाइट कंडीशन में अगर आप सेल्फी वगैरह कैप्चर करते हैं, तो फ्रेंड्स इंडोर लाइट कंडीशन में ये काफी सही सेल्फी कैप्चर करता है। यहाँ पर जो है एक ही ट्यूबलाइट जल रहा था, और देखिए यहाँ पर जो सेल्फी है वो कितना बढ़िया है। इवन यहाँ पर जो पोर्ट्रेट सेल्फी है वो भी काफी बढ़िया है। तो यहाँ पर एक्सट्रीम लो लाइट कंडीशन में आपको थोड़ा बहुत दिक्कत होगा इसके सेल्फी को लेकर। बाकी यहाँ पर जो है अगर थोड़ा सा लाइटिंग कंडीशन सही रहता है, जैसे कि इंडोर वगैरह में या फिर कहीं पर पार्टी वगैरह में आप जा रहे हैं जहां पर लाइटिंग कंडीशन काफी सही है, तो डेफिनेटली ये जो है काफी बढ़िया सेल्फीज कैप्चर कर लेता है। सो फ्रेंड्स, अब जो आप ये वीडियो देख पा रहे हैं, इसे मैं इसके फ्रंट कैमरा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ डे लाइट में, और यहाँ पर जो है धूप निकला हुआ है और काफी बढ़िया मौसम है। कल बारिश हुआ था और आज जो है धूप निकला हुआ है, थोड़ा ठंडा ठंडा और गर्म गर्म मौसम है। तो यहाँ पर जो है वीडियो क्वालिटी इसके फ्रंट कैमरा का काफी बढ़िया है। साथ साथ मैं आपको यहाँ पर चल के भी दिखा रहा हूँ,
तो आपको अंदाजा हो जाएगा इसके फ्रंट कैमरा का जो स्टेबलाइजेशन है वो कैसा है। यहाँ पर जो स्टेबलाइजेशन दिया गया है, मैंने सेटिंग्स पे चेक किया था फ्रंट कैमरा में जो स्टेबलाइजेशन है, तो यहाँ पर जो है फ्रंट कैमरा वीडियो क्वालिटी भी काफी बढ़िया है, काफी वाइड है, कलर वगैरह काफी बढ़िया है और पीछे के व्यू को भी ये काफी अच्छे तरीके से जो है कैप्चर करा है। तो डेफिनेटली आप जो इसके फ्रंट कैमरा से भी काफी बढ़िया वीडियोस वगैरह रिकॉर्ड कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अब जो आप ये वीडियो देख पा रहे हैं इसे मैं लो लाइट में शूट कर रहा हूँ रेडमी नोट K20 के फ्रंट कैमरा से, और यहाँ पर लो लाइट वीडियो परफॉर्मेंस की बात करें तो कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिल जाएगा जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। हालांकि यहाँ पर जो है नॉइज मुझे काफी हल्का देखने को मिला है लो लाइट में। इवन क्लियरिटी की बात करें तो फ्रंट कैमरा का जो क्लियरिटी है वो मुझे काफी ठीक लग रहा है जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। बाकी आप नीचे कमेंट स्क्रीन में कमेंट करके बताइए आपको इसके फ्रंट कैमरा का लो लाइट परफॉर्मेंस कैसा लगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को Redmi K20 Pro का कैमरा रिव्यू पसंद आया होगा। बाकी मेरी ओपिनियन की बात करें तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो इसका कैमरा परफॉर्मेंस है वो मुझे काफी बढ़िया लगा। डे लाइट में जो काफी बढ़िया इमेजेस कैप्चर कर लेता है, इवन पोर्ट्रेट शॉट भी जो है काफी बढ़िया कैप्चर करता है। इवन लो लाइट की बात करें तो लो लाइट में भी जो है इसका परफॉर्मेंस मुझे काफी बढ़िया लगा। तो डे लाइट और लो लाइट में जो है इसके रियर कैमरा का परफॉर्मेंस काफी बढ़िया है। टेलीफोटो लेंस, इवन यहाँ पर जो वाइड एंगल लेंस है उसका भी परफॉर्मेंस जो है अपने अपने हिसाब से काफी सही है। और बात करते हैं इसके फ्रंट कैमरा पॉपअप सेल्फी की, तो यहाँ पर जो है सेल्फी भी ये काफी बढ़िया कैप्चर कर लेता है और काफी डिटेल्स के साथ कैप्चर करता है। साथ साथ आप यहाँ पर जो है लो लाइट में भी काफी बढ़िया सेल्फीज वगैरह कैप्चर कर सकते हैं। इवन वीडियोस वगैरह भी जो है आप काफी बढ़िया रिकॉर्ड कर सकते हैं डे लाइट। इवन लो लाइट फ्रंट कैमरा में जो है स्टेबलाइजेशन देखने को मिल जाता है, आप जो है ब्लॉगिंग वगैरह इसके फ्रंट कैमरा से बढ़िया आराम से कर पाएंगे। तो आफ्टरऑल बात करें तो इस प्राइस रेंज में इसका कैमरा मुझे काफी बढ़िया लगा। आपका क्या ओपिनियन है आप नीचे कमेंट सेक्शन में बाकी कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ साथ जो है बेल आइकन को प्रेस कर दिया है जिससे जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपको जो है नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और इस वीडियो को जो है लाइक करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, और अगर आपको वीडियो नहीं पसंद आता है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। और अगर इस फोन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या फिर कोई भी क्वेरी हो नीचे कमेंट स्क्रीन में कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं, वहां पर मैं काफी ज्यादा एक्टिव रहता हूँ। वहां पर डायरेक्टली जो है आप मुझसे चैट कर सकते हैं, कम्युनिकेशन जो है वहां पर काफी ईजी हो जाता है क्योंकि वहां पर आप वॉइस मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत आता है तो आप डायरेक्टली जो है स्क्रीन शॉट फोटोज वगैरह भी सेंड कर सकते हैं जिससे मैं जो है उसका सॉल्यूशन बता सकूं। तो आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कर लीजिए जिससे जो है हमारा जो कम्युनिकेशन है वो काफी ईजी हो जाए। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में एक नए कॉन्टेंट के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और यूं हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बने रहिए RJ टेक्निकल्स के साथ।